नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। फिल्म पद्मावती को लेकर विवादित बयान देने वाली राजपूत करणी सेना इन दिनों सुर्खियां बटोरते हुए चर्चा का विषय बनी हुई है। करणी सेना ने हाल ही में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की नाक काटने और हिंसक आंदोलन करने का बयान जारी किया था। ग्वालियर में करणी सेना के महासचिव शेर सिंह सिसोदिया ने फिर एक बार फिल्म पद्मावती पर बैन लगाने की मांग करते हुए सिनेमाघरों के लिए चेतावनी जारी की है। करणी सेना ने कहा कि अगर सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज होती है तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उनके मालिकों की होगी। फिलहाल राजपूत करणी सेना के बयानबाजी के दौरान प्रशासन अलर्ट पर है। समस्त आपके ग्वालियर संभाग के अंदर और समस्त मध्य प्रदेश में संदेश देना चाहता हूँ मल्टी मीडिया सिनेमा घर मालिकों को कि माता पद्मावती की पिक्चर आपके सिनेमा घर में न लगाए, ये हमारा एक निवेदन है, आग्रह है। उसका खामियाजा सिनेमा मालिक भुगतने के लिए तैयार रहे, सारे सिनेमा घर फूटेंगे और जनहानि भी होती है तो उसकी जवाबदारी भी सिनेमा मालिकों की रहेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर राजपूत नहीं सभी हिंदू समाज की आन बान शान का विषय है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।